नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है, पर आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वैसे तो मैं इम्पोर्टेंट बुक्स जो बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को, तो उसका तो मैं बेस्ट बुक्स डाल दिया हूँ कि कौन कौन से जो बुक्स है जिन्हें पढ़कर हम 100% इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिनसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं वो ऐड किया हूँ, इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों। हम लोगों का टारगेट है कट ऑफ को, एग्ज़ाम के कट ऑफ को पार कर जाना, क्योंकि मेरिट हमारा फिजिकल पे बनता है। और हम आपको फिजिकल का ट्रिक भी बता देंगे कि फिजिकल पे हम लोग क्या करें और दौड़ में कितना नंबर लाएं, ऊंची कूद में कितना नंबर लाएं और हाई जंप में कितना नंबर लाएं, सब कुछ हम आपको बता देंगे, तो आप आसानी से फिर मेरिट में भी आ सकते हो। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा बुक है जिसे पढ़कर हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने के टाइम में क्या कुछ कर सकते हैं वो देखेंगे। उससे पहले आप हमारे कुछ वीडियो देखे होंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में डाला हूँ, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जीके जीएस, क्योंकि इसका वेटेज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा जीके जीएस आता है। तो इसके लिए मैं एक ही बुक को प्रीफर करता हूँ, वो है हमारा वन एंड ओनली लूसेंट। यदि आप लूसेंट पढ़ते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर दोगे विदाउट एनी डाउट। जीके जीएस में आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो इसके लिए एक बुक मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ आपको लूसेंट ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो ये वाला है आपको क्लियर करना है। ये दोनों आप यदि क्लियर कर लेते हो, क्योंकि 3 महीने का टाइम है, तो ये 3 महीना आपको इन दोनों को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। 3 महीने में ये दोनों, 3 महीने से ज़्यादा ही लग सकता है, बट आप रेगुलर इसे करो तो 3 महीने में ये दोनों ख़त्म हो जाता है। यदि ये दोनों आप कर लेते हो एकदम अच्छे तरीके से, तो आपके जीके जीएस में 80% क्वेश्चंस को आसानी से टच कर जाओगे, एकदम आसानी से। और हमारा टारगेट है 70+ लाना, यदि आपका 70+ आता है तो आप सेफ हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा इंग्लिश 10 नंबर का आता है, तो एक एक नंबर जो होता है जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर आपको कट ऑफ से नीचे ला सकता है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे लिए सबसे अच्छी जो बुक है, जो हमारे एसएससी सीजीएल के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए भी है, वो हमारी इस नीतू मैम की केडी कैंपस की बुक है। केडी कैंपस की बुक है जो इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्याप्त है। फिर हम नेक्स्ट बात करें हमारा मैथ की बात करें, कि मैथ में मैथ रीजनिंग मिला के भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। वैसे तो बहुत सारे साइट पे जो दिया हुआ है कि 10+2 लेवल का मैथ आता है, परंतु हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है पिछली बार मार्च में, उसमें 14 मार्च और 21 मार्च के ही आसपास हुआ था एग्ज़ाम, उसमें जो दिया गया है वो जो हम लोग नॉर्मल जो मैथ पढ़ते हैं जनरल कंपटीशन का, वही मैथ दिया गया है। तो उसके लिए मैं आपको बुक जो प्रीफर करता हूँ, एक है ये आर एस अग्रवाल का अंक गणित, ये वाला बुक यदि आप पढ़ते हो तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम के एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप छोड़ दोगे। यदि इससे आपको मन नहीं भरता है तो आप एक लूसेंट का आता है रेलवे, या तो ये बना लो या तो वो बुक बना लो, तो लूसेंट का ये रेलवे गणित भी आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग की बात करें, मैथ रीजनिंग मिलाकर 10 नंबर की आती है, तो रीजनिंग के लिए तो आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्रैक्टिस सेट बनाओगे। उसके बावजूद यदि आपको बुक बनाने का मन है तो रीजनिंग के लिए मैं अरिहंत पब्लिकेशन का ये वाला बुक आपको प्रीफर करता हूँ कि ये बुक आप बनाओ, अरिहंत बेस्ट बुक है। इसके साथ इतना बुक्स पढ़ने के साथ हम लोगों को अभी से क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए जिससे हमारा क्या होगा कि जीके भी मजबूत हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी मैथ जो भी है सब एक बार मजबूत हो जाएगा। उसके लिए मैं आज 2 बुक लाया हूँ, नया नया आज 2 बुक लाया हूँ, और मैं भी स्पेशली
अभी इसी से टिक कर रहा हूँ, इसी को पढ़ रहा हूँ। तो ये एक है ये वाला, ये बुक आप देख लो, मार्क्स मैन प्रकाशन का बुक है ये वाला बुक, 8415, एकदम नया नया जो है अभी लॉन्च ही हुआ है, कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, तो जिससे आपका मतलब कि बेस मजबूत हो जाएगा, सेट मार सकते हो। और एक रुक्मणी का द प्लेटफॉर्म का जो है ये वाला प्रैक्टिस सेट है, ये भी जो है कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए है। तो इसमें जो है 34-35 प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी 30 प्रैक्टिस सेट है, 60 प्रैक्टिस सेट है 2 महीने के लिए। तो आप इसे यदि करते हो तो जीके जीएस में तो आप कहीं भी नहीं फंसने जा रहे हो, क्योंकि इसमें पर्याप्त क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये मैं डेली कर रहा हूं, एक सेट इससे करता हूं और एक सेट इससे करता हूं। बाकी क्योंकि दोस्तों मैं बिहार कांस्टेबल की तैयारी करूं तो भी जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, एसएससी सीजीएल की तैयारी करूं फिर भी जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी की भी तैयारी करूं फिर भी जीके जीएस पढ़ना पड़ता है। तो मैं सब कुछ पढ़ते हुए ये दोनों बुक्स से पढ़ रहा हूँ, जिससे कि सिलेक्शन आपका 100% हो जाए। तो ये सब इम्पोर्टेंट बुक्स था जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।